अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर इस तरीके से लिखाता है रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग फॉर योर सिक्योरिटी दिस सेटिंग इज़ ए करंटली अनअवेलेबल, ठीक है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, और यहाँ पे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये बहुत सारे लोगों को इश्यू आ जाती है कि अपने फ़ोन के अंदर जो है रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग करके आ जाता है, और सेटिंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड की होती जब भी वो एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो हो नहीं पाती है। तो बेसिकली अलग अलग केसेस में अलग अलग वजह से आता है। सबसे पहला तो इसका जो मेन रीज़न है कि आपने अगर अपना फ़ोन EMI पर लिया है तो आपकी जो सेटिंग होती है आपके फ़ोन की, तो उसमें कुछ सेटिंग को जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, मतलब यहाँ पे आपकी जो सेटिंग है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ सेटिंग जो है अपने नहीं कर पाते आप लोग, वहाँ पे आपको उसके लिए बंद कर दिया जाती है उस सेटिंग को। तो अब आपको क्या करना है, अपने एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है। इसके लिए आप सिस्टम में जा सकते हैं, आपका जो फ़ोन है उसके अलग अलग हिस्सा मतलब सेटिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको EMI किस्त पूरी भरनी होगी, तभी आपकी ये जो है ठीक होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है किसी ना एप्लीकेशन में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस केस में सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी लिखा आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी की कुछ सेटिंग हम यूज़ कर भी सकते हैं और कुछ की नहीं भी, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है EMI। अगर आपने EMI की किस्त नहीं भरी है, या फिर EMI पर आपने फ़ोन लिया है और EMI आपका कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, मतलब कुछ आपके महीने वगैरह बाकी है, तो उस केस में यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी। अपना फ़ोन रिस्टार्ट करके एक बार ट्राई कीजिए, हो जाए तो ठीक है, वरना आपको सबसे पहले EMI कंप्लीट करवाना होगा। उसके बाद जहाँ से आपने EMI किया था वहाँ से आप उसको हटा देंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।